ये सब गिफ्ट आप देख रहे हो ये हमें भेजे गए हैं वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। अब कहीं जाके नई मुंबई का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा और प्रेजेंट होने लगा है और ठंड की शुरुआत होने लगी है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठाणे का सागर ब्लॉग्स। तो बहुत दिनों बाद आप और मैं वंस अगेन एक वीडियो में आ रहे हैं और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सब रेगुलर वीडियो होंगे। एक भी मंथ ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर हमने वीडियो डाला नहीं है। तो हर मंथ में कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेगा और नेक्स्ट 4 या 5 वीडियो मैंने पहले ही लाइनअप कर दिया है, सो डोंट वरी अबाउट डैट। सो ये व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि व्हाई आई लेफ्ट ठाणे। बिफोर दैट कुछ गिफ्ट्स हमारे पास आए थे। ये सब गिफ्ट आप देख रहे हो ये हमें भेजे गए हैं वन ऑफ माय सब्सक्राइबर एंड हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड अक्षय ने, सॉरी अक्षय, उन्होंने पर्सनली मुझे कहा था कि वीडियो में उनका नाम ना लिया जाए, मगर क्या करे, फ्रेंड होता है हमारा तो नाम लेना तो ज़रूरी है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, चलो अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या है उस गिफ्ट में। आओ और राइट, तो देखते कि फर्स्ट ये 2 पैकेट में क्या है एंड उसके बाद ये वाला ओपन करेंगे। तो पहले इसको ओपन करते हैं। ओहो, टी शर्ट, ये कुछ टी शर्ट भेजा गया है, बहुत ही अच्छा है, आई लाइक द कलर, थैंक यू अक्षय। एंड सेकेंड वाले इसमें दिखते क्या है, ओहो क्या बात है, सेकेंड वाला भी टी शर्ट भेजा है लेजी करके, सो क्यों नहीं टी शर्ट को पहन के दिखा जाए। ओह परफेक्ट फिटिंग एंड रेड इज माय फेवरेट कलर, थैंक यू अक्षय सो मच फॉर दिस टी शर्ट्स। एंड ये जो है वो उसने कहा था कि ये तुम्हारे ब्लॉग में काम आएगा, तो चलिए देखते इसके अंदर। ओह यूला जी, ओहो बड़ी काम की चीज भेजी है अक्षय ने। ये यूला जी का जो माउंट रहता है गोप्रो के लिए वो माउंट भेजा है। बेसिकली ये हेलमेट पे आपके लग जाता है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपका गोप्रो रहता है। इसके बाद गोप्रो का जो माइक रहता है आपका वो लेवल, ये जो माइक का एडाप्टर जो रहता है वो एडाप्टर यहाँ पे लगेगा एंड ये नीचे की साइड से जो है वो आपके हेलमेट में ऐसा लग जाएगा, फिट हो जाएगा। एंड आपको अगर माइक लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच अक्षय वंस अगेन टू सेंडिंग दिस स्टफ एंड आई रियली लव दिस यूला जी जो आपने भेजा है, उसके लिए बहुत थैंक्स। और ये टी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, ये सेकेंड वाली टी शर्ट मैं देखूँगा, कभी राइड होगी मेरी तो उसमें पहन के आपको ज़रूर DM कर दूँगा। एंड मेन चीज़ हम इस वीडियो में जिसके लिए आए हैं उसके लिए बात करते, तो चलो ज़रा बैठ के अच्छे से बात कर लेते, आ जाओ। तो चलिए बात करते हैं कि वाई आई लेफ्ट ठाणे। बिफोर दैट मैं मेरी बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं ठाणे में नहीं था रहने के लिए, मैं था 2007 में मैं ठाणे में आया। उससे पहले मैं था वडाला BPT क्वार्टर्स में, जहाँ पे बॉम्बे पोर्ट्रेस का जो क्वार्टर्स रहता है उस क्वार्टर्स अपार्टमेंट में रहता था। 18 बिल्डिंग्स के मिल के जो पूरा क्वार्टर्स था। एंड आफ्टर डैट कि खुद का घर होना चाहिए मुंबई में या कहीं भी, तो उसके लिए हम लोग ने ठाणे में, जब भी हमारे बजट के हिसाब से ठाणे में रूम लिया गया था
एंड उस टाइम 2007 में इतनी भीड़ नहीं थी ठाणा सेशन में, आप इजीली कैसे भी ट्रैवल कर सक रहे थे, कोई इशू नहीं था। अभी क्या हुआ है, सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि 2007 में जितनी पॉपुलेशन थी उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन अभी 2019 में बढ़ रही है, एंड ज़्यादा करके क्राउडेड सिटी में ठाणा का नाम आ रहा है। एंड वहाँ पे ठाणा छोड़ने के लिए तीन रीज़न थे इसके वजह से हमने ठाणा छोड़ दिया था। तो पहला रीज़न था कि वहाँ पे पानी की समस्या बहुत थी, एक हाफ एन आर ही पानी आता था घर में, और घर में पहले से 5 मेंबर थे तो उनका नहाना कपड़े धोना देन बर्तन सब चीज़ उस आधे घंटे में निपटानी पड़ती थी, अदरवाइज़ जो पानी की टंकी लगाई गई थी उसको यूटिलाइज करना पड़ता था। तो पूरे दिन भर के लिए सिर्फ आधा घंटा पानी, दिस इज़ नॉट फेयर ना। सो उसके वजह से पानी की समस्या बहुत आती थी, और बीच में ऐसा होता था कि 2 या 3 मंथ में एक आध बार पानी नहीं आता था तो हम लोग को खुद से पानी भरना पड़ता था, बकेट ले लेके 4th फ्लोर तक लेके जाना पड़ता था, लिफ्ट थी मगर कभी कभी वो लिफ्ट भी धोखा दे देती थी। और सेकेंड रीज़न था कि हम लोग कैसे ही ट्रैवल कर सकते थे ठाणा में, कोई भी ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे हम 5 और 10 मिनट्स में पहुँच जाते थे। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से घोड़बंदर रोड जो है जीबी रोड वो डेवलप हो चुका है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत फेस होने लगी है ठाणा में। बिकॉज आप अगर ठाणा से हो मुझे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। घोड़बंदर रोड से लेके जो हमारा कापुरबावड़ी जंक्शन है वहाँ तक का ट्रैफिक, एंड आप जब भी मुंबई से ठाणा में एंटर करते हो जो तीन हाथ नाका जो है हमारा, तीन हाथ नाका से लेके जो मुलुन का जो चेक नाका है वहाँ तक का, वो हार्डली 2 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए हम लोग को कम से कम आधा से एक घंटा जाता था बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक। एंड वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है ना ऐसा नहीं है, मगर अभी फ़िलहाल हम लोग को इशू आ रहा है ट्रैवलिंग का। सो उसके वजह से ये वही एक रीज़न था कि ठाणा छोड़ना पड़ा। एंड थर्ड रीज़न था कि बजट। अभी क्या है, फैमिली हमारी बढ़ चुकी है, एक मेंबर ऐड हो चुका है, हमारे बड़े भाई की शादी हो चुकी है। सो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हमें घर लेना होगा, एंड अभी पॉसिबल तो नहीं है ठाणा में कि हम 2 BHK अफोर्ड कर सके, क्योंकि 1 करोड़ के आसपास और उससे ऊपर ही 2 BHK आपको मिल जाएगा, उसके नीचे भी आपको मिल जाएगा मगर वो मिलेगा आपको घोड़बंदर रोड में। और जैसे मैंने सेकंड रीज़न कहा कि घोड़बंदर रोड में पहले से ही ट्रैफिक है, तो अभी ये सही चीज़ नहीं होगी कि मैं घोड़बंदर रोड शिफ्ट हो जाऊँ एंड कुछ महीनों बाद फिर से वही प्रॉब्लम ट्रैफिक की। सो इसके लिए ठाणा हमें छोड़ना पड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी मगर वो सब साइड में रखी, ये 3 चीज़ मुझे लगी कि जो हाईलाइट होनी चाहिए थी, इसकी वजह से ये व्लॉग में मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है ठाणा के बारे में, कम से कम मैं 12 से 13 साल वहाँ पर रहा हूँ, एंड जो एटमॉस्फेयर है ठाणा का वो बहुत ही अच्छा है। 3 से 4 लेक्स मेरे घर के नज़दीक थे, कभी भी हम लोग जा सकते थे, कभी शाम को अगर घूमने का मन हुआ तो सीधा बाइक लेके निकल जाओ, आप 5 या 10 मिनट्स में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्स मिलेंगे, लाइक उपवन तालाब, कचराली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ठाणा में घूमने के लिए। मगर अभी क्या करें, बजट अपना बैठ नहीं रहा था, इसके लिए फिर नवी मुंबई में रूम लेना पड़ा है। देखेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो एक आध BHK तो ठाणा में ले लेंगे इन फ्यूचर। आई होप ये हो जाए तो मैं फिर से ठाणा में मूव हो जाऊँगा। सो बस आज के वीडियो के लिए इतने। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। और नेक्स्ट व्लॉग मे बी अराउंड 1 से 2 वीक में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय।